ये टियागो है 2022 और इसमें एंड्रॉयड चेंज करना है, तो उसके लिए हमें कैनवस कैसे मैच करना है। निपॉन का सिस्टम है 9 प्रो। सबसे पहले हम इसको नेट दे देंगे सिस्टम को हॉटस्पॉट से, उसके बाद हम कार सेटिंग में जाएंगे, फिर हम एक्स्ट्रा सेटिंग में जाएंगे नीचे। एक्स्ट्रा सेटिंग कोड है 8888। अब हमें जाना है इस वाले फंक्शन में मॉडल चूज। यहाँ पर हमें ये चेक करना होता है कि ये डिब्बी जो आती है आपकी ना, ये हाइब्रिड है, रेज है, कौन सी है, तो सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हमें इसमें जाना है हाइब्रिड, क्योंकि ये हमारा हाइब्रिड है। हाइब्रिड में जाने के बाद अब हमें गाड़ी सेलेक्ट करनी है। गाड़ी हमारी टाटा की है, टाटा में जाएंगे हम। टाटा में जाने के बाद अब हमें यहाँ पे टियागो नहीं मिलेगी, हमें नेक्सॉन में मैच करना होगा इसे। ओके जब ये प्रोसेस आप कर रहे हो उस टाइम पे आपको इग्निशन ऑफ नहीं करना, गाड़ी में सेल्फ नहीं मारना। ये थोड़ा टाइम लेता है। ओके हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल जी, हाँ ठीक हो? हाँ वो घर ही बात करनी थी ना, उठाने ना था कोई, हो गई थी बात, हो गई थी। हाँ हाँ चलो, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। उसे पॉज कर दिया करो, ऐसे लंबी हो जाएगी वीडियो। अब MCU अपडेट हो रहा है। ऑल पिन देना जरा, दुनिया रिसेट करनी है। अब ये आपको बताएगा इसको रीसेट करना है सिस्टम को, तो यहाँ से हम इसको रीसेट करेंगे एक बार। सिस्टम ऑन हो चुका, ये हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। और अगर इसमें ये प्रॉब्लम आ जाए इस तरह की, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें स्टीयरिंग एक बार दोबारा मैच करना पड़ेगा।
स्टीयरिंग कंट्रोल में जाएंगे और इसको एक बार हम रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद दोबारा इसको मैच कर देंगे स्टीयरिंग को। बस ये मैच कर दिया हमने इसको फिलहाल, और ये आपका स्टीयरिंग काम करने लगा। इसको मैं सेव नहीं किया, दोबारा कर देते हैं। ये स्टीयरिंग माइनस प्लस बिल्कुल प्रॉपर सही काम कर रहा है। तो ये तो आपका एक काम हो गया। अभी मैं इसे पूरा चेक कराऊंगा आपको। ये हमने डोर खोला राइट साइड का, राइट साइड ओपन दिखा रहा है, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड का डोर खोला, लेफ्ट साइड ओपन दिखा रहा है। अब हम इसमें रिवर्स सेंसर भी इसके चेक कर लेते हैं एक बार ना। आप एक मिनट पीछे जाओ। ये सेंसर भी इसके प्रॉपर काम कर रहे हैं। अक्सर प्रॉब्लम यही आती है कि सेंसर काम नहीं करते, तो अगर कैनवास सही होगा और फिटिंग सही होगी तो सेंसर भी काम करेंगे। ये सेंसर काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको इसका वायरिंग के कनेक्शन कहाँ कहाँ पर हमने दिए हुए हैं। दिखाना, ये इसका सिल्वर बॉक्स है। यहाँ से आपको ये तीन कपलर निकालने हैं, सिल्वर बॉक्स में लगे आएंगे। ये तीनों कपलर हमें निकालने हैं और कैनवास वाली वायर में डालने हैं। कैनवास से आपको दो कपलर ये वाले मिलेंगे, एक पावर का है, कैन का है। इसको हम ऊपर वाले में लगाएंगे, इसको नीचे लगाएंगे। ये जैक लग जाएंगे, जैक लूज नहीं रहने चाहिए, पूरा लॉक बैठना चाहिए, ठीक है। और ये तीन जैक हमारे यहाँ पर आ गए। अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा लगा होगा तो रिवर्स कैमरे में भी आप इसको लगा सकते हैं। रिवर्स कैमरा भी आपका OEM काम करने लगेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला केबल। ये आपका USB वाला केबल है, ओरिजिनल USB आपका काम करेगा, ठीक है। एक एंटीना जैक इसमें मिल जाता है, ये एंटीना जैक ओरिजिनल लगा के सिस्टम में हम लगा देंगे। अच्छा, सिस्टम में कहाँ कनेक्शन करने हैं वो दिखा देता हूँ। सिस्टम में सिर्फ आपको दो वायर जोड़नी होती है, ये यहाँ पर। तो ये प्रॉपर बिल्कुल तरीके से काम करेगा। अभी आपको मैंने दिखा दिया रिवर्स सेंसर, स्टीयरिंग, डोर ओपन, इंडिकेशन, सब काम कर रहे हैं। कहीं पर लूज कनेक्शन अगर रहेगा तो प्रॉब्लम आती है, अगर कैनवास सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैचिंग पूरा तरीके से करें, प्रॉपर काम करेंगे हर चीज़, ठीक है दोस्तों।